एलिमेंट के तो वाटर एलिमेंट में जब हमारी पृथ्वी आती है, पृथ्वी मतलब क्या है, पृथ्वी है मिट्टी, अर्थ है, ठीक है। और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी के अंदर पानी आता है या पानी में मिट्टी आती है, दोनों ही कंडीशन में मिट्टी पानी को सोख लेती है, ख़त्म कर देती है वो पानी को, होता है ना ये। अगर हम गमले में, एक गमला है उसमें मिट्टी, उसमें पानी डाला तो पानी का पता ही नहीं लगता कहाँ गया, और हम ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी थोड़ी देर बाद वो सोख ही लेती है, वो तो पानी ख़त्म हो जाता है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस एलिमेंट, सॉरी, वाटर एलिमेंट में आपका अर्थ एलिमेंट आ गया। अर्थ एलिमेंट से मतलब क्या है, वहाँ पे कोई आपकी स्क्वायर शेप आ गई, कोई आपका मिट्टी का कलर आ गया, या कोई आपकी मिट्टी ही आ गई, या आपका येलो कलर आ गया, ऐसी कोई भी कंडीशन आ गई, कोई स्टोर आ गया, तो उस कंडीशंस में आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आप हेल्थ इशू, आपकी सोच, ये सब ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपका एक स्टोर बना हुआ है, तो उस कंडीशंस में वहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट आ गया, तो आप क्या कहेंगे, हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, ब्लॉक हो गया है, अट्रैक्शन ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इसमें अर्थ एलिमेंट को दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत होगी वाटर एलिमेंट को। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एनएनई में येलो कलर है, और एनएनई में अगर रेड कलर है तो क्या होगा, फायर एलिमेंट परेशान होगा, हेल्थ इशू नहीं होंगे। हाँ, गुस्सा जरूर हो सकता है, बॉडी में अग्नि जरूर हो सकती है, थोड़ी बहुत तो इफेक्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किसे होगा, फायर एलिमेंट को होगा। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है, सोच में गर्मी आ जाएगी, एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा फायर को ही होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका अर्थ एलिमेंट आ गया, आपने एक स्क्वायर शेप की एक घड़ी वहाँ पे टांग रखी है नॉर्थ ईस्ट में, या कोई स्टोर बना रखा है, तो आपकी बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी। आदमी कहता है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग में क्या हो गया मेरे, तो वहाँ पे आपने कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ब्लॉक कर रखा है किसी चीज़ से, उसको कोई भारी वजन की चीज़ रख रखी है वहाँ पे, कोई भी स्टोर बना रखा है आपने, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ हो सकती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये आगे बढ़ूँ। जी आपका एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट क्या काम करता है, वायु जो है, आपको पता है कि वायु का काम क्या होता है, एयर का काम होता है बढ़ना, ऊपर की तरफ ग्रोथ करना।